किस तरह से मनाते हैं, जैसे सब मनाते हैं, बट मेरे पास वैलेंटाइन नहीं है. आई एम नॉट डेटिंग एनीवन राइट नाउ, सो मैं अपने साथ ही मनाऊंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगी. आई हैव एक्चुअली प्लान्स. मेरी बेस्ट फ्रेंड है फ्रॉम माय फर्स्ट शो, फरीना परवेज, सो शी इज कमिंग टू मीट मी. सो सिर्फ आप अपने लाइक पार्टनर के साथ ही मना सकते हो. कोई भी हो सकता है वैलेंटाइन, तो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. दोनों आ चुकी हूँ मैं. सो पृथ्वी वल्लभ पहले तो एक बहुत ही यूनिक शो है. हम लोगों ने टीवी पे कुछ नया लाने का ट्राई किया है. सो मैं पृथ्वी वल्लभ में एक कर्टिजान का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि वैश्या कहते हैं हम इंडिया में, दैट इज़ अ प्रोस्टिट्यूट. सो एक वैश्या का रोल है, नेम कोशा. सो मेरे कैरेक्टर का नाम कोशा है, एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट, नाइव, स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम, एंड शी इज इन लव विद द राजा ऑफ मानिकहेट, जो कि दो स्टेट्स दिखाए गए हैं पृथ्वी वल्लभ में, एक मानिकहेट है, एक मालवा है. सो आशीष शर्मा जो पृथ्वी वल्लभ प्ले करे, ही इज़ फ्रॉम मालवा, एंड सोनारिका भदौरिया इज फ्रॉम मानिकहेट. सो आई एम फ्रॉम मानिकहेट. वहाँ पे हम लोग का अपना एक कोठा है, तो वहाँ पे वहाँ के जो राजा हैं तैलप राज, तो आई एम इन लव विद हिम. सो ही शी इज़ अ पर्सन हु इज़ selfless and she loves him unconditionally and she is at the same time very naive and बहुत ही innocent है, दिल की बहुत साफ है, but strong है, and she wants to get out of the kotha and she wants to live her life fully. उसको वो life पसंद नहीं है, वो अपने she has her own dreams. So basically it's a very strong character, it's a very challenging role for me. बिल्कुल नहीं, हटके ही करना चाहती हूँ मैं तो. हमेशा कोई भी एक्टर हटके ही करना चाहता है, एंड आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली, टचवुड, कि अभी तक जो भी मेरी जर्नी रही है, जो जो भी मैंने शोज़ किए हैं, उसमें रोल्स हमेशा ही डिफरेंट रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट, लाइक अ रोल ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट और वैश्या कॉर्टिजान, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर रोल. और इसके पहले भी आई वॉज डूइंग गंगा, सो आई वॉज प्लेइंग एन ऑटिस्टिक गर्ल, लाइक प्रियंका चोपड़ा फ्रॉम बर्फी, सो विच इज़ अगेन वेरी डिफरेंट. उसके पहले आई वॉज डूइंग सतरंगी ससुराल, सो आई वॉज प्लेइंग अ टोटल नेगेटिव वैम्प विद जादू टोना ऑन ऑल्सो. वो भी बहुत डिफरेंट था, इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. एंड बिफोर दैट आई वॉज डूइंग रिपोर्टर्स, सो उसमें एक क्यूट बबली पंजाबी लड़की का रोल था, एंड माई फर्स्ट शो वॉज एक रिश्ता ऐसा भी फ्रॉम सोनीपल. सो वो भी एक रोल लाइक टिपिकल लड़की का था. तो आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली कि सब रोल डिफरेंट रहे, और आगे भी चाहूँगी कि कुछ और डिफरेंट करने मिले. आई रियली वॉन्ट टू डू अ लाइक रोल ऑफ अ फाइटर, जिसमें मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग करने मिले, मुझे हॉर्स राइडिंग करने मिले, तो वो मैं करना चाहूँगी नेक्स्ट, आई होप. बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, बट करेंटली अगर मेरे दिमाग में कोई नाम आ रहा है तो वो प्रियंका चोपड़ा है. नॉट बिकॉज सब लोग ऑब्वियसली, काफ़ी लोग कहेंगे प्रियंका चोपड़ा का नाम, काफ़ी लोग लेंगे, बट फॉर वन रीज़न कि जो उनका पैशन है, जो उनमें मैं डिज़ायर, जो फायर देखती हूँ, दैट एक्चुअली इंस्पायर्स मी. सो काफ़ी लोग हैं लाइक प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, लाइक आई डोंट लाइक देम बिकॉज उनकी एक्टिंग या उनका, जस्ट फॉर वन रीज़न देर पैशन एंड देर डिज़ायर एंड देर फायर जो उनके अंदर होती है कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, दैट एक्चुअली फैसिनेट्स मी एंड इंस्पायर मी. फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे कोई छोटा बच्चा हो, फिर चाहे कोई फ्रॉम एनी लाइक एनी एरिया, एनी सेक्शन ऑफ वर्क, एनी कोई भी हो, फिर चाहे कोई भी हो, लाइक मीडिया में कोई हो, उनके अंदर की आग, उनके अंदर का पैशन, दैट एक्चुअली इंस्पायर्स मी. नहीं यार, मैं ऐसे नहीं सोचती कि मुझे इसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करना. आई लाइक रणवीर सिंह, आई लाइक रणवीर सिंह अलॉट, सो आई होप कभी आगे चल के रणवीर सिंह के साथ काम करने मिले, बिकॉज आई रियली लव हिम इन पद्मावत, एंड ही वॉज अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग. बहुत नर्वस थी मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज एक्चुअली जब मैं लॉक हुई थी इस कैरेक्टर के लिए, तो मुझे पता चला था कि दे हैव लाइक्ड मी सो मच, प्रोडक्शन हाउस एंड एवरी वन, तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी मुझसे, दे लाइक मी सो मच, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं बहुत प्रेशर में आ गई थी कि ओ आई हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस नाउ. तो मेरे लिए अपने अंदर एक बहुत चैलेंज था, बिकॉज ये पूरे शो में अगर आप देखेंगे तो कोशा का कैरेक्टर सबसे अलग है, वो निकल के आता है कि शी इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट, बिकॉज वो हमेशा
उसकी अदा में ही बात करती है, वो शेर व शायरी में ही बात करती है, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कविता शेर व शायरी के ढंग में ही बात करती है, तो वो प्ले करना बहुत डिफरेंट था. तो मुझे काफ़ी फिल्म्स देखी मैंने, फ्रॉम मुगले आज़म टू देवदास टू बाजीराव मस्तानी, तो सबके अंदर से थोड़ा 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 मैंने कुछ अपना जोड़ के कुछ बनाया है, बनाने की कोशिश की है. सो आई होप आप सब लोगों को पसंद आए, प्लीज़ देखते रहिए पृथ्वी वल्लभ. अभी तक मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है, बट हम लोगों के यहाँ शिव जी नहीं बट एक भगवान की मूर्ति है जिसको वरादेव बोलते हैं हम लोग, तो हम उनकी पूजा करते हैं. आई डोंट नो महाशिवरात्रि का क्या रखा है उन्होंने, बट आई डोंट नो बिकॉज इट्स अ वेरी बिग शो, तो सबकी शूटिंग अलग अलग होती है, तो इतना पता नहीं है, बट वी फॉलो वरादेव. सो या मैं कुछ नहीं यार, मैं सुबह सुबह मंदिर होकर आई हूँ, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. मैं सुबह सुबह मंदिर होकर आ गई, भगवान से जो मांगती हूँ, मैं जनरली मैं कुछ नहीं मांगती, मैं बस मांगती हूँ कि सर पे हाथ रखो और सब ठीक रहे, सब अच्छे से रहे, सब कुछ रहे, तो बस वही रोज़ का रूटीन. बहुत कुछ नया आने वाला है, मैं ये बता नहीं सकती आपको, बट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. आप धीरे धीरे देखेंगे, अभी जैसे अगर आपने रीसेंट एपिसोड्स देखे होंगे तो हमारा कोठा जला दिया गया है, क्योंकि लोगों को मैं इतनी पसंद नहीं थी राजमहल में, क्योंकि तैलब और मेरी लव स्टोरी जो चल रही है, बिकॉज तैलब भी मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी तैलब से प्यार करती हूँ, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी खटक रही थी मैं, तो उन्होंने पूरा कोठा ही जला दिया. तो अभी हम लोग कैसे ना कैसे वहाँ से बच बचा के निकल गए हैं, एक दीवार के अंदर सुरंग जाती है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग उस सुरंग में रह रहे हैं. उस सुरंग से जैसे बाहर निकलते हैं वहाँ से कहानी शुरू होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आप प्लीज़ देखते रहिए. एक्सपीरियंस मेरे कोस्टार से, मेरे कोशा की अगर बात की जाए तो मेरा ट्रैक ही अलग चलता है पृथ्वी वल्लभ में. आई डोंट शूट वेरी कॉम्बिनेशन सीन्स, ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ. मेरे जब शूट होता है तो ज़्यादातर तैलब के साथ होता है या तो मौसी के साथ होता है. सो काफ़ी अच्छे हैं, आई शेयर अ वेरी गुड केमिस्ट्री विद बोथ ऑफ देम. जितिन गुलाठी इज़ प्लेइंग तैलब राज एंड श्वेता इज़ प्लेइंग मौसी. सो दोनों के साथ काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है मेरी, स्पेशली जितिन के साथ, जिसकी तारीफ भी काफ़ी हो रही है. एंड आप देखते रहिए आगे भी इनकी केमिस्ट्री और अच्छी निखरेगी, और भी अच्छे अच्छे सीन्स हैं हम लोग के जो आएंगे. सो आई होप यू लव द केमिस्ट्री ऑफ तैलब एंड कोशा. अच्छा कोशा, डेफिनेटली कोशा. मैं एक्चुअली अगर आप लोगों को बताऊँ, मैं शुरू के कुछ महीने, हम लोग का अगस्त से शूट शुरू हुआ था, मैं शुरू के कुछ महीने कैरेक्टर में इतनी घुस गई थी कि मैं घर जाती थी तो भी कोशा ही होती थी, एक सेट पे आती थी तो भी कोशा ही होती थी. मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे यार अब तो बाहर आ जा, मतलब कोशा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. जब मैं शूट नहीं करती हूँ आई लिटरली मिस कोशा, आई लिटरली मिस कि वो कॉस्ट्यूम कब मैं पहनूंगी, कब मैं वापस से कोशा बनूंगी. आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन आई एम इन कॉस्ट्यूम कोशा बन के, मैं बहुत खुश रहती हूँ. तो कोशा डेफिनेटली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ द चैलेंजिंग कैरेक्टर्स आई हैव एवर प्लेड. यार अभी तो यहाँ अभी फिलहाल आई एम टोटली डिवोटेड टू पृथ्वी वल्लभ ओनली, क्योंकि अभी ट्रैक, अभी हम लोगों की सीज़न 2 की शूटिंग शुरू हो गई है. सो आई होप यू गाइज नो दैट पृथ्वी वल्लभ हैव टू सीजन्स, हैज़ टू सीजन्स. सीज़न 1 एंड सीज़न 2 बोथ हैज़ 40-40 एपिसोड के सीज़न हैं. तो हम लोग, वी हैव ऑलरेडी शॉट सीज़न 1, सो वी हैव स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीज़न 2. सो अभी फाइन, अभी तो आई एम फुल्ली डिवोटेड टू पृथ्वी वल्लभ ओनली. आई डोंट नो, अभी कुछ आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी. होली, मैं एक्चुअली घर जा रही हूँ अभी 2 दिन में. आई थिंक मैं होली पे वापस घर जाऊँगी, बिकॉज शायद मैंने कुछ पिछले 3-4 सालों से घर वालों के साथ होली नहीं मनाई है, सॉरी मम्मी पापा, बट मैं चाहूँगी कि मैं घर वालों के साथ होली मनाऊँ. थैंक यू सो मच. एंड मैं अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि पृथ्वी वल्लभ एक बहुत ही यूनिक शो है जो हम लोग लेकर आए हैं टेलीविज़न पर. इसका लेवल बहुत बड़ा है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत की है. करीबन 1 साल से प्री प्रोडक्शन चल रहा था, फिर उसके बाद काफ़ी एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग सीखने में, मैंने बहुत मेहनत की है कथक डांस सीखने में, लैंग्वेज सीखने में. सो सबकी बहुत मेहनत है एंड शो बहुत
अच्छा बनाने की कोशिश की है. सो प्लीज़ 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 आप सभी देखिए पृथ्वी वल्लभ. इट्स एवरी सैटरडे संडे 9:30 PM to 10:30 PM ओनली ऑन सोनी.